हरियाणा में बुरा क्यों पिट गई कांग्रेस, शैलजा हुड्डा ही बने वजह, अति आत्मविश्वास ने दिमाग, जंग का मैदान चाहे किसी भी लेवल का हो, एक को जीत मिलती है और एक को हार का मुंह का सामना करना ही पड़ता है। राजनीति का अखाड़ा चुनाव के जरिए सजाया जाता है, जिसमें जनता के वोटों से हार जीत का फैसला होता है। अब हरियाणा में चुनाव होने के बाद आज रिजल्ट का दिन रहा। रुझानों में बीजेपी हैट्रिक मार चुकी है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने बाजी मारते हुए जीत हासिल कर ली है। वहीं लगातार तीसरी बार कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस ने तो बाजी मार ली थी, लेकिन असली रिजल्ट में कांग्रेस को हार मिल गई है। तो क्या केवल शैलजा और हुड्डा की लड़ाई हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ गई, या फिर कोई और भी वजह है? चलिए जानते हैं। क्या कांग्रेस के अति आत्मविश्वास ने दिमाग? राजनीति के जानकारों की माने तो हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हो गई। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, वो ठीक उसी तरह का एक्ट करने लगी जैसा कि लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने किया था। हालांकि बीजेपी की तरह कांग्रेस ने 400 पार वाले नारे की तरह कोई नारा दिया तो नहीं था, लेकिन उनके चुनाव प्रचारकों का बॉडी लैंग्वेज ऐसा होने लगा था मानो वो चुनाव जीत ही चुके हों। क्या जाट वोटर्स पर भरोसा पड़ा भारी? हरियाणा में जाट वोटर सत्ता की सीढ़ी माने जाते हैं। यहाँ 27% आबादी जाटों की है। सीटों के हिसाब से देखा जाए तो ये 35 से 40 सीटों पर अपना प्रभाव जमाए हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दांव जाटों पर लगा दिया था, लेकिन शायद जाटलैंड ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। इस पर पक्के रूप से फाइनल रिजल्ट के बाद ही बात की जा सकती है, लेकिन 2014 के चुनाव में भी INLD से कांग्रेस जाटलैंड में पिछड़ गई थी, क्योंकि कांग्रेस को उस वक्त महज 15 सीटें मिली थी, जिसका असर यह हुआ कि भूपेंद्र हुड्डा हैट्रिक मारने से चूक गए थे। तो वहीं 2019 में JJP ने 10 सीटें जीतकर कांग्रेस का जायका बिगाड़ दिया था। किसान और पहलवान। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने किसान और पहलवान कार्ड जमकर खेला, लेकिन लगता है कांग्रेस का किसान पहलवान कार्ड उल्टा ही दांव दे गया। हालांकि विनेश फोगाट को जुलाना से जीत हासिल तो हुई, लेकिन कांग्रेस को इसके अलावे लाभ होता दिखाई नहीं दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के खिलाफ गैर जाट वोटर्स भी हो गए थे। शैलजा हुड्डा की लड़ाई। सबसे बड़ी बात है कि क्या शैलजा हुड्डा की लड़ाई हार की वजह बनी? शैलजा हुड्डा की लड़ाई तो अब खुलकर सामने आ ही गई है। शायद ये भी एक वजह है जो कांग्रेस के लिए बेहद घातक साबित हुआ है। बीजेपी ने कांग्रेस के भीतर की इस फूट को जमकर भुनाया था। हालांकि हरियाणा में उसके भी दामन में छेद है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने शैलजा हुड्डा की लड़ाई का जमकर नेगेटिव प्रचार किया। शायद इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि 11 सीटों पर कांग्रेस को बागियों ने ही मुश्किल में डाला है। OBC वोटर्स को तवज्जो न देना। राजनीति के जानकारों की माने तो जाट और दलित वोट की फिराक में कांग्रेस OBC वोटर्स के प्रति गंभीर नहीं दिखी। वहीं बीजेपी ने तो नायब सिंह सैनी के रूप में पहले ही OBC दांव खेल दिया था। खट्टर को हटाने पर पंजाबी वोटर कहीं नाराज न हो जाए तो खट्टर को मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। अगर हरियाणा विधानसभा सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तकरीबन 20 सीटों पर OBC वोटर्स का दबदबा रहता है। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान PM मोदी ने गोहाना रैली में कांग्रेस को दलितों और OBC को ठगने वाली पार्टी भी बताई थी, साथ ही रिजर्वेशन कार्ड भी खेला था। शायद उसका भी बड़ा असर वोटर्स पर पड़ा हो, जिसका रिजल्ट अब सबके सामने है। हालांकि ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स और कयासों और राजनीति के जानकारों के मतों पर कही गई हैं। कांग्रेस के हरियाणा जंग में हार की असली वजह क्या है, ये तो पार्टी अपनी समीक्षा के बाद ही बता पाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 1 इंडिया हिंदी के साथ।